नमस्कार दोस्तों दोस्तों आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध क्या है और क्यों किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार एक आत्मा को उसके जीवन के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म को किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन बुरे कर्म करने वाली आत्मा को नरक का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों इन फल तक पहुंचने तक आत्मा कई जगहों में भटकती रहती है। कहते हैं कि कर्मों के अनुसार आत्मा देव योनि या फिर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को देव योनि मिल जाती है और बुरे कर्मों को करने के बाद जो आत्मा अपनी इच्छा पूर्ति करने में लगी रहती है उसे मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेना पड़ता है दोस्तों। लेकिन इन दोनों योनि के बीच में प्रेत योनि होती है जिससे आत्मा को बाहर आने में समय लग जाता है, और वह समय होता है जब आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा वायु रूप में पृथ्वी पर भी घूमती रहती है। इन्हीं आत्माओं का एहसास अपने आसपास में हमें होता है। यह वही आत्मा होती है जो प्रेत योनि में विचरण कर रही होती है। इस आत्मा को प्रेत योनि बोला जाता है। इन्हीं आत्माओं का एहसास अपने आसपास होता है। यह वही आत्मा होती है जो प्रेत योनि में विचरण कर रही होती है। इस आत्मा को प्रेत योनि से बाहर निकल कर पितृ चरण तक पहुंचने के लिए ही पितृ पूजा किया जाता है। भाद्र पद की पूर्णिमा तिथि से अश्विन कृष्ण अमावस तक 16 दिनों तक का समय श्राद्ध का समय कहलाता है। पितृ दोष के उपाय कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों। पहला, श्राद्ध कर्म अच्छे से करना चाहिए। दूसरा, दादा और पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। तीसरा, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। पांचवा, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। छठा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जब जातक व्यक्ति पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे अगले जन्म में स्वर्ण ऋण चढ़ता है। मात्र ऋण से व्यक्ति पर कर्ज चढ़ता जाता है और घर परिवार की शांति भंग हो जाती है दोस्तों। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि दोस्तों जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है दोस्तों। पितृ ऋण है तो उसके 5 उपाय कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों। इस ऋण को उतारने के 5 उपाय। पहला, धर्म के अनुसार कुल परंपरा का पालन करना चाहिए। दूसरा, पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। तीसरा, घर में अगर संतान जन्म ले तो उस संतान में कुल धार्मिक संस्कार डालना चाहिए। चौथा, घर में 13, 14 और अमावस के और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी का धूप देना चाहिए। पांचवा, पितृ पक्ष में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। दोस्तों, पितृ दोष को उतारने के लिए कुल के नियम पर चलना चाहिए। कुल के नियम और धर्म के खिलाफ नहीं चलना चाहिए दोस्तों। मेरी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।